In last lecture, we have learned exercise 4.3, example first and second. In that exercise, we have learned two system, two method of solution. How can we find the values of x? दो मेथड सीखे थे उसमें, कौन सी? पहले थी कंप्लीटिंग स्क्वायर और सेकंड मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये वाला जो फॉर्मूला था वो हमने सीखा था, क्लियर? नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां कुछ इक्वेशन दिए हैं, उसके रूट्स फाइंड करने। अब इधर स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी मेथड यूज करना, तो आपको जो अच्छी लगती है, जो आप अच्छे से कर सकते हो वो मेथड यूज करनी। हम इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्म था हमारा? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू टेक x, x है तो सबके नीचे x एलसीएम ले लो तो पता चल जाएगा। तो इसको क्या कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाता है x स्क्वायर माइनस 1 एंड ये जो नीचे x है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, क्लियर? नाउ लुक हियर, 3x कम्स अनदर साइड, सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू कैन सॉल्व इजीली, यू कैन सॉल्व इजीली। When you compare with the standard form, you can get the value of a, b and c. जब आप उसको उसके standard form जो हमारा है ax square plus bx plus c is equal to 0 से compare करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है इसका value? So from that a is equal to here 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 1. Clear? Okay. Now our quadratic formula, हमारा quadratic formula कौन सा है? Now use minus b, x is equal to, क्या हो सकता है? X is equal to minus b plus minus, पहले plus वाला लिख दो, plus under root b square minus 4ac upon 2a। अब quadratic है तो उसके दो जीरो होंगे, तो दूसरा जीरो कौन सा हो सकता है? दूसरा जीरो हो सकता है हमारा माइनस बी या प्लस हो गया तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप क्या करोगे, इधर उसकी वैल्यू रख दो। सबसे पहले आप स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, तब उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, तो इधर भी कर सकते हैं, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, b की वैल्यू हमें पता है कितनी है माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर कर लो माइनस 4, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू आल्सो माइनस 1, सो व्हाट हैपेंड, सो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 सो 13, सो अंडर रूट, सो अंडर रूट हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, इसका रूट लेना पड़ेगा, कितना हो गया अंडर रूट 30, क्लियर? ओके, नाउ गुड वैल्यूज, सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस साथ में भी आप लिख सकते हो, साथ में लिखो तो भी चलता है, b की वैल्यू क्या है इधर माइनस 3 है, माइनस 3 प्लस अंडर रूट 30, क्लियर, अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा हो जाता है 2, उसी तरह से इधर क्या होगा माइनस माइनस 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 बन जाए, तो ये दो वैल्यू हमें मिल जाती है। अब दोनों साथ में लिखे तो भी चलता है, तो क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। अब देखो इसमें कुछ कट भी नहीं होता, कुछ कॉमन भी नहीं निकलता, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें निकालना पड़ता है, और ये हमारा आंसर हो गया, मतलब फर्स्ट का क्या हो गया वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्लियर? उसी तरह से दूसरा समझ लिया है, एक बार अच्छे से फिर से समझ लो, करना क्या है आपको जो भी इक्वेशन दिया है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्यों? क्योंकि हमें a b and c की वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके फिर उससे कंपेयर कर लो, फिर आपको फार्मूला
you have to take the value, find value of d square minus 4ac and put it to the formula. So you can get answer. Clear? अच्छे से देख लो और लिख लो. Now second one, ये जो सम है वो भी क्या है, उसको भी हमें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. क्लियर? ओके. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये भी दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. मतलब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर, तो क्या होगा x माइनस सेवन एंड ये इधर होगा वन के साथ, तो माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आएगा. और इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन. ये सीधा हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं. क्लियर? सो इसको हम क्या कर लेंगे, गलत कर लो, x माइनस सेवन माइनस एक्स प्लस फोर. क्लियर? x माइनस सेवन माइनस, अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन चेंज हो जाती है. क्लियर? अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स तो कट हो गया. ओके, और इधर क्या हो जाएगा, उसका हमने वो फॉर्मूला सीखा था, उस पर से हम सीधा आंसर लिख सकते हैं. x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सीधा आंसर x स्क्वायर. अब देखो x स्क्वायर, और या तो फिर आप साइड में उसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो तो भी आपको आंसर मिलेगा x स्क्वायर. अब ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, माइनस 3x और लास्ट में मल्टीप्लाई 7 हो जा 20 और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस. तो इसका आंसर हमने सीधा लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 is equal to 11 by 30. अब इधर क्या बचा है, so minus minus plus हो जाएगा number होगा and 11. और इसको हम सामने ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं. clear? और इधर तो already 11 है, तो 11 इधर आ गया और इधर भी 11 है, तो ये 30 हो गया. और ये हमारा equation कौन सा हो गया, x square minus 3x minus 20. तो इसको 11 को और 11 को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं क्योंकि इधर 11 है बराबर. तो ये माइनस 1 अकेला रहेगा, क्या रहेगा, माइनस 1 अकेला रहेगा. तो अब देखो इसके इज इक्वल टू ये हो गया, इसके इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया. मतलब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस 30 हो जाएगा और ये इधर चला गया. तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 30. अभी भी हमें c का टर्म लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर कर लो, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं. तो x square minus 3x minus करते इस साइड आएगा तो plus 30 minus 28 is equal to 0. So x square minus 3x plus minus minus हो जाएगा, 30 plus 28 तो minus कितना होगा, 2 is equal to 0. तो we have quadratic equation x square minus 3x और ये plus बड़ा है तो ये बड़ा नंबर की साइड क्या आएगी, प्लस आएगी. क्लियर हो गया? कंफ्यूजन इधर होता है कि सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया है उसको कौन से सेशन में लाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में लाना है. तो इस तरह से आपने ला दिया. अब हमारा स्टेप कौन सा था, यस ए की वैल्यू इस पर से कंपेयर करके फाइंड कर लो, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इज इक्वल टू +2 हो गया. क्लियर हो गया, ए बी एंड सी की वैल्यू हमें मिल गई. क्लियर? अब क्या करना क्या है, वो हमारा क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यूज कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, वो अंदर लिखना है इसलिए. सो बी स्क्वायर मतलब माइनस, तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ ए इज 1 and value of c is equal to 2. So 3 square is 9 minus 4 to the 8. So we have only 1. तो उसका जो value है वो कितना आया, 1. और अब तो हमें root लेते हैं तो क्या हो जाता है, under root मतलब root 1. तो हमारा answer का जो quadratic formula है वो है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. उसकी value अंदर रख दो. माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3 एंड प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई, √1 √1 अपॉन 2a 2 और a का वैल्यू भी क्या है, 1 ही है, जब 1 ही है तो उससे भी मल्टीप्लाई कर लो. अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा.
क्या हो जाएगा प्लस थ्री, और अंडर रूट वन, अंडर रूट वन का मतलब क्या होता है भाई, अंडर रूट मतलब क्या होता है, अंडर रूट वन का मतलब होता है वन ही होता है, वन का रूट क्या होता है वन ही होता है, तो एक बार प्लस लिख लो तो ऐसा हो जाएगा मतलब फोर बाय टू, जो टू टू जा फोर, तो इसका आंसर क्या हो गया टू हो गया, और अगर माइनस करते हैं तो थ्री माइनस टू बाय टू, तो क्या हो गया उसका आंसर वन बाय, तो हमें इधर दो वैल्यू मिल जाते हैं, और कितने मिल जाते हैं दो वैल्यू मिल जाते हैं। देखो अभी इधर क्या हुआ, इधर थ्री प्लस वन था और इधर थ्री माइनस वन करना है, थ्री माइनस वन क्योंकि वन है ना रूट वन का रूट वन है, तो थ्री माइनस वन क्या होगा टू बाय टू, तो तीन से बार वैल्यू मिल गया वन, तो हमें दो वैल्यू मिल जाता है, x इज इक्वल टू टू हो सकता है या x इज इक्वल टू क्या हो सकता है वन भी हो सकता है। नाउ एग्जांपल नंबर थ्री, हियर गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स, एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में हमें इक्वेशन बना के दिए थे, इधर हमें इक्वेशन खुद बनाना है, कैसे, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, हमें रेसिप्रोकल लेना है, रहमान की एज समझ कर अभी क्या है x है, सपोज रहमान सेज इज x, रहमान की एज अभी क्या है x ईयर है, अब उसका 3 इयर्स अगो एज कितनी होगी x माइनस 3, और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन हो जाएगा, उसी तरह से 5 इयर्स नाउ अभी की जो एज है उससे 5 साल बाद, तो x plus 5 हो गया और उसका रेसिप्रोकल हो गया, सम करना है तो प्लस लगा लिया और आंसर दिया है 1/3, क्लियर, तो उस पर से हमें क्या करना है इक्वेशन बनाना है, तो ax square plus bx पर वो वाला, तो इसको हम क्या कर लेंगे, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे दोनों का एलसीएम इज इक्वल टू 1/3, क्लियर। नाउ x ओपन ब्रैकेट x plus 5 plus x minus 3 एंड x square दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस प्लस 2x मल्टीप्लाई माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, क्लियर। नाउ x plus x 2x 5 minus 3 इज इक्वल टू प्लस 2 एंड एज इट इज 1/3 इज टेकन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का इसके साथ और ये जो पूरा इक्वेशन है 1 के साथ वैसा का वैसा, तो इसका करेंगे तो 6x plus 6 इज इक्वल टू x square plus 2x minus 15 होगा, क्लियर। अब देखो क्या होगा, इसको इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाता है x square, अब 6 माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4x और ये माइनस 15 है और ये जाएगा माइनस 21 हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हमें इक्वेशन कौन सा मिल गया ax square plus bx plus c के फॉर्म वाला इक्वेशन मिल गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने आगे भी सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, तो 21 है, 21 के ऐसे दो पार्ट्स बनाओ जिसके माइनस से 4 हमें मिलने चाहिए, तो 21 के फैक्टर हम सोचे तो 7 3 है, अब इधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम तो 4 मिल जाता है, बड़ा तो कौन सा चाहिए इधर माइनस, तो इसको माइनस ले लो और इसको प्लस ले लो और आंसर कितना मिल जाएगा माइनस 4, तो ये 10th में आ गया है, इसलिए आप 9th में भी सीखे थे ये मेथड, 8th में भी सीखे थे फैक्टर कैसे करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दोनों का डिफरेंस माइनस 4 मिल जाता है, तो इस तरह के उसका पार्टीशन करना है, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नाउ पेयर बना लो दोनों की, x कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7, देखो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए तभी हमारा आंसर आएगा, तो दो ब्रैकेट मिलते हैं हमें x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 7 एंड इसका 0 लगाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3। देखो अब इधर x की वैल्यू 2 आई पर आपको पता है कि एज कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, एज नॉट कैन बी नेगेटिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल, एज कैन नॉट बी माइनस 3 कभी भी हो नहीं सकता, हमें एज फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ रहमान हम लिख लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना हो गया 7 इयर्स,
तो इस तरह से हम इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 5, अच्छे से इसको देख लो और अपने नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम 6 नंबर का एग्जांपल और 5 नंबर का एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं। देखो वन बाय वन एक स्टेप लिखते जाओ, उसको समझते जाओ और फिर इधर आ जाने के बाद तो आपको सिंपली सिंपल हो जाता है सब। क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, फिर दूसरा हमने पसा, अगर इस मेथड से नहीं होता तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो इक्वेशन सॉल्व, उससे भी नहीं होता है तो फिर श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो, क्लियर। अब उसके बाद वाला एग्जांपल नंबर 5 है, अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, उसको जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आप तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर से हमें खुद इक्वेशन बनाना है। अगर इक्वेशन सही बन गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ एग्जांपल नंबर 5, सी योर टेक्स्ट बुक, इन ए क्लास टेस्ट, क्या था, एक क्लास का टेस्ट था, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, उसने दो सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, एक मैथ्स का दिया इंग्लिश का, तो दोनों के मार्क्स का एडिशन कितना है, 30 है। मार्क्स मैथ्स में जितने आए और उसमें कितने आए, वो दोनों का एडिशन कितना है, 30 है। हेड इक्वल 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो उसमें क्या हुआ है कि मैथ्स में उसने 2 मार्क्स ज्यादा प्राप्त किए हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, सिर्फ द प्रोडक्ट ऑफ दोस मार्क्स would have been 210, दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 210, फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में हमें मार्क्स फाइंड करना है। तो सपोज करो पहले तो हमें मार्क्स का टोटल दिया है मैथ्स और इंग्लिश का बराबर 30, तो हम पहले सपोज कर लेंगे कि लेट्स आंसर नंबर 5, लेट्स मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में शेफाली के मार्क्स सपोज करो कितने हैं, x है, तो अब दोनों का एडिशन दिया है इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, सो मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे भाई, क्यों, देखो दोनों का मार्क्स अभी मैं इधर समझा देता हूं कि मैथ्स में अगर x मार्क्स है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये दोनों का एडिशन 30 है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि x मैथ्स में आ गए तो बाकी जितने बचे 30 में से x चले जाएंगे, वो किसके मार्क्स हो गए, इंग्लिश के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, इंग्लिश के, पर इंग्लिश के मार्क्स सपोज करो कितने हो गए, 30 माइनस x, क्लियर हो गया। तो पहले हम मैथ्स के मार्क्स सपोज कर लेते हैं तो उस पर से हमें इंग्लिश के मार्क्स मिल जाते हैं। अब जो कंडीशन दिया है वो क्या है, हर टोटल मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, हेड्स इज स्कोर्ड, उसने क्या किया 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा है, तो मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा है तो कितने हो जाएंगे, प्लस 2 कर लो, क्लियर। और इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में क्या है 3 मार्क्स कम है, क्या है 3 मार्क्स कम है, लेस मतलब -3 कर लो, क्लियर हो गया। तो इंग्लिश के मार्क्स उसके कितने हो गए, ये 30 में से -3 गया तो कितने बचे हुए, 27 माइनस एक्स, क्लियर हो गया, कितना हुआ 27 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या है, ये इंग्लिश के मार्क्स आ गए और ये मैथ्स के मार्क्स आ गए, समझ गया ना, एक बार फिर से देखो, मैथ्स में हमने सपोज किया उसके मार्क्स एक्स थे, दोनों का एडिशन 30 था तो इंग्लिश के मार्क्स हो गए 30 माइनस एक्स। अब कंडीशन ये था कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा है और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम है, इसलिए -3 कर लिया, तो 30 में से 3 गया 27 बचा और -6, क्लियर। नाउ अनदर कंडीशन इज गिवन, कौन सी कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ सब्जेक्ट मार्क्स, दोनों सब्जेक्ट का मल्टीप्लाई कितना होता है 210, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x plus 2 and प्रोडक्ट इसलिए मल्टीप्लाई कर लो 26 माइनस x इज इक्वल टू 210, ये हमारा बन गया
इक्वेशन। अब उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, तो वन बाय वन हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक्स को पूरा 27 माइनस एक्स के साथ कर लो, प्लस टू है उसको 27 माइनस एक्स के साथ कर लो, 210। ये जो मेथड है वो इजी है, इसलिए हम ये करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 27x प्लस माइनस माइनस एक्स के प्लस 27 टू जा, तो कितना होता है 54, कितना होता है 54 प्लस माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू 210। देखो अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर को लिखते पहले माइनस x स्क्वायर, 27x माइनस 2x तो कितना बचेगा, 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब जब ये माइनस है तो हम उसको प्लस भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो उसकी सारी साइन चेंज करनी पड़ेगी। पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25x, अब ये प्लस 210 है इससे हिला देंगे तो क्या होगा, प्लस 54 माइनस 210 क्लियर इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कर लो, 210 में से 54 निकाल तो कितने बचेंगे 156। अगर आपको पता नहीं चलता तो ऐसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, इधर 10 लगा लो इधर लगा लो 0 क्लियर। अब 10 में से 4 गया और 20 में से 5 गया तो कितना बचा 50, तो 156 कितना बचा, माइनस x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0 क्लियर। तो ये बन गया हमारा क्या इक्वेशन बन गया। अब ये माइनस है उसको हटाना है, तो ये सारी साइन क्या करनी पड़ेगी, हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो ये 25 बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो इधर प्लस आएगा इधर भी प्लस आएगा और इधर भी। अब हम उसको माइनस में से प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाता है x स्क्वायर, तो ये माइनस है तो प्लस है वो माइनस हो गया, और ये माइनस है वो क्या हो गया प्लस। अब 156 ये वाले मेथड हमने आगे किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 156 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा है फैक्टर है 156 को, आप ऐसे 156 के फैक्टर भी बना के कर सकते हैं। तो इसका अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 12 वैसा करते हैं तो उसका आंसर मिल जाता है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, x स्क्वायर अब 12 माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ये दो पार्ट हो गए जिसका मल्टीप्लाई कितना होता है 156 और एडिशन 25। क्लियर, ये 9th में सीखा था इसलिए आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कैसे पार्ट बनाते हो, इधर हम कॉमन करेंगे x तो x माइनस 13 हो गया, इधर कॉमन करेंगे 12 तो x अब माइनस कॉमन निकाल दे तो अंदर की साइन चेंज हो गई इसलिए 0, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 13 और x इज इक्वल टू 12, मतलब x की दो वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, दो वैल्यू, x 13 भी हो सकता है x 12 भी हो सकता है। तो x हमने क्या लिया था, x हमने क्या लिया था मैथ्स के मार्क्स, तो मैथ्स मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स मार्क 30, अगर हम 30 ले लें तो प्लस 2 है तो कितना हो गया, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाता है 15 हो जाते हैं ना। तो जब हम मैथ्स x की वैल्यू 30 लेते हैं तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाते हैं, प्लस 2 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं प्लस 2 हो जाते हैं, इसलिए कितने हो गए 15 x की वैल्यू हो जाती है बराबर। एक बार फिर से देखो, x की दो वैल्यू हमें मिली, x is equal to 12 या तो फिर x is equal to 13 बराबर, then 13 minus x English 13 minus x 13 minus x कर लो, 13 minus x x की वैल्यू 13 ले लो, तो 13 minus 13 तो कितने बचेंगे
30 में से 13 जाएंगे तो 17 बचेंगे, कितने बचेंगे 17, तो इसके मार्क्स हमें मिल जाते हैं 17, 13, 17 भी आंसर आ सकता है और 12 और दूसरा आंसर भी आ सकता है। देखो इसका आंसर तो कितना हो गया 13, अगर हम 13 लेते हैं तो एक 13 और 17 हो गया, अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 12 लेते हैं तो क्या होता है, तो 13 माइनस 12 ले लो तो कितना हो गया 18। तो इन शॉर्ट अगर x की वैल्यू 12 लेते हैं तो दूसरा आंसर क्या आता है 18 आता है, क्लियर, और इधर x की वैल्यू 13 लेते हैं तो दूसरा आंसर 17 आता है, तो ये दो आंसर आते हैं, क्लियर हो गया 13 और 17 या तो फिर 12 और 18 बराबर। तो इस तरह से इस सब को अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, देख लो अच्छे से, क्लियर हो गया, ओके। आगे का सम हम करने वाले हैं, तो आगे का सम जो है वो भी इसी तरह का है, बट प्रॉब्लम जैसे है, तो इसमें बहुत सारे बट प्रॉब्लम दिए हैं, इसमें बहुत सारे बट प्रॉब्लम दिए हैं, तो वो आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो समझोगे ना तभी इक्वेशन आप खुद बना सकते हो। नाउ एग्जांपल नंबर 6, क्वेश्चन के लिए देखो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50। अब रेक्टेंगुलर फील्ड है, कौन सा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, द मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायगोनल दिया है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड देखो ऐसा है, उसका डायगोनल मतलब ये वाली साइड, क्लियर, कितना है, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड सपोज करो x है तो ये कितना हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा, डायगोनल दिया है वो क्या है, शॉर्टर साइड जो छोटी वाली साइड है उससे 16 ज्यादा है, क्या है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड जो है उससे ये 30 मीटर क्या है ज्यादा है, तो शॉर्ट साइड x है तो ये लॉन्ग साइड कितनी हो गई, x + 13 हो गई, क्लियर हो गई, मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों के साइड का फाइंड करना है, दोनों के साइड का मेजरमेंट, मतलब x, ये हमें x + 60 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्लियर हो गया। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है तो ये एक बनेगा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, रेक्टेंगल बना ये पूरा रेक्टेंगल बनता है, तो इन ए राइट ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों साइडों के इक्वल टू होता है कि नहीं होता, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस का जो थ्योरम था वो क्या था, एक साइड का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर मतलब x + 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, क्लियर। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाता है हमारा ऐसा, क्लियर हो गया, पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब उसके सामने वाली जो होती है ना राइट एंगल की उसका स्क्वायर होता है, तो ये हमने पहले सीखा था 9th में पाइथागोरस, तो उसका यूज करना है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं x स्क्वायर, अब x स्क्वायर a + b वाला कर लो, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 230 मतलब 16x लास्ट का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर कितना होगा 9, इधर भी कर लो x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6 to the 12 120x और 60 का स्क्वायर 3600 मतलब 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, तो एक x स्क्वायर इधर है x स्क्वायर इधर है तो ये कट हो जाता है बराबर, इधर x स्क्वायर सेम लिख दो प्लस 60x इस साइड डालो माइनस 120x प्लस 900 और इधर लगा दो 2700, क्लियर हो गया। अब उसको अभी भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं x स्क्वायर, अब 60 में से 60 120 में से 60 जाएंगे तो माइनस 60x और इधर कितना होगा 1800 बराबर 2700 में से 900 देते हैं
तो 800 बचा, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना x2 - 16x - 27। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें 18 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि जिसका हम सब्ट्रैक्शन करें तो 60 आए, तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं है। 19 2 हो सकता है, तो 902 से करेगा तो ये आएगा नहीं, तो इधर हमें कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली मेथड। मतलब ए बी सी की वैल्यू इसमें से कंपेयर करके फाइंड कर लो, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -60 एंड सी इज इक्वल टू -1800। तो इस तरह से तीनों की वैल्यू हमें मिल जाती है। 1800 नहीं, कितना है इधर, 3600 था ना, देखो सॉरी इधर 3600 था, उसमें से 900 गए तो कितना बचा 2700। तो C की वैल्यू हो गई -2700, क्लियर। A, B और C की वैल्यू मिल गई। अब उसके फॉर्मूला में क्या चाहिए हमें, b² - 4ac√2 चाहिए, क्लियर। तो b² - 4ac का देखेंगे तो -60 का स्क्वायर कर लो, -4, A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू कितना है -2700। तो देखो 6 का क्या होगा, 6 6 36, 2 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 27 4 सा कितना होता है 54 2 0 108, मतलब 108 एंड 20, मतलब 10800 हो। 2700 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10800 हो जाता है। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो हम साइड में ऐड कर लेंगे उसको, 3600 कितना है 3600, 16 6 36 20, क्लियर। 0 0 4 1 कैरी करो 4 1, तो क्या हो गया 1 4 4 00, क्लियर। अब उसका रूट लेना है, क्या करना है, रूट चाहिए ना हमें, तो रूट ले लो, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 12 और इसका 1, तो 120 वैल्यू आ जाता है। b² - 4ac का वैल्यू कितना होता है 120 होता है, कितना 120। अब देखो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + √b² - 4ac को 2a से डिवाइड करना है, तो माइनस की वैल्यू का, b की वैल्यू हमने फाइंड किया है -1 - 60, b का वैल्यू भी -16 है तो माइनस रखो, प्लस माइनस अंडर रूट का आंसर हमने लाया 120 और इधर 2, a की वैल्यू 1 है इसलिए 2 2 ही होगा। अब देखो इसका माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 60 एक बार हम प्लस लेते हैं तो 120 / 2, और अगर दूसरी बात हम करें तो 60 माइनस लेते हैं एक बार तो 120 / 2, क्लियर। 16 प्लस कितना हो गया 180 / 2, मतलब 90, क्लियर। और इधर क्या होगा 60 में से तो -60 बचेगा / 2, तो क्या हो गया आंसर इसका -30। तो देखो दो आंसर मिलते हैं हमें यहाँ, कौन कौन से दो आंसर मिलते हैं, 90 भी मिलता है और -30 भी मिलता है, सिंस x डिनोट्स द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो x क्या है, हमारा छोटा वाला साइड है, तो अभी साइड कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी 90 होगी, क्या होगी 90, तो हम इधर लिख सकते हैं शॉर्टर साइड, हमें फाइंड क्या करना है साइड का मेजरमेंट, शॉर्टर साइड x इज इक्वल टू 90, और जो बड़ा साइड है वो बिगर साइड x प्लस 30 है, बिगर लिख सकते हैं, लॉन्ग साइड लिख सकते हैं, बिगर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30, मतलब 90 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो गया 120, क्लियर। तो इस तरह से हमने 3 4 5 6 7 कर दिए। अब आपको मैं 7 8 9 10 और 11 वो 4 5 सम आप घर से ट्राई करना, एग्जांपल नंबर 7 8 9 10 और 11 वैसे समय सारे वर्ड प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से समझना, उसके इक्वेशन बना के कोई भी मेथड से आप
हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।